ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ज़हीना तुम्हें कितनी बार कहती हूँ इतना मत खाया करो, देखो फिर से नींद आना शुरू होगी ना तुम्हें। हाँ हाँ, ये लीजिए जनाब गर्मा गर्म चाय। ज़रीना जी उठते हैं चाय पिए। वैसे जानी कि बच्चों का जो नाश्ते में भी नहीं आए। अरे बाबा वो कोई जरूरी काम है ना, उसकी खोज में लगे हुए, वो कहते ना कि जासूसी। अरे ज़रीना नई खोज जो करते हैं वो साइंसदान होते हैं, और जो गुमशुदा चीजों की तलाश करते ना वो होते हैं जासूस, अक्लमंद। चलो बना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मेरे को अक्लमंद तो माना। मैडम वो दूसरा अक्लमंद अपने कमरे में चाय मंगवा रहे हैं। क्या मतलब? माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है वो बच्चू भाई चाय मंगवा रहे हैं अपने कमरे में। अच्छा, शायद कोई जरूरी कॉल है। अच्छा ठीक है, सही है। और भड़काने का वार खाली चला गया। चलो जानी बेटा, और भी बड़े मौके आएंगे। जानी क्या हो गया ये, तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो? अब वो मुझे याद आया, बच्चू भाई को तो चाय देनी है, मैंने मैं दे के आता हूँ। जानी को भी मेरे को लग रहा है कि पागल हो गया, पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गया। चलो देखो ये बात कह भी कौन रहा है। अरे भाजाई क्या हो गया भला, आपके और मेरे सिवा तो इधर कोई बैठा हुआ ही नहीं है। उफ ज़रीना, मैं जरा बच्चों को देख कर आती हूँ। ठीक है भला, सब एक दूसरे को देखने जा रहे हैं। हाँ बाबा बस बहुत हो गया है, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। अरे ये तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ लग रही है। अरे बाबा ऐसा क्या कह दिया है मैंने? अरे दुनिया में सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ ना। जानी बेटा हो ना हो मैडम का पत्ता कटने वाला। बस बाबा बस, अब मैं परसों के बाद उसके साथ एक दिन हरगिज नहीं रह सकता बाबा। हाँ बस। लो भाई हो गया काम पक्का, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर लग रहा है मुझे। अरे जानी जानी तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? आहिस्ता बोले आहिस्ता बोले। अच्छा बाबा मेरी बीवी आ गई है, बाद में बात करते हैं। क्यों, ये मेरा बेडरूम है, कोई लाइब्रेरी थोड़ी जहाँ ऊंचे ऊंचे बात करना मना है। अरे वो साहब जी है ना, वो किसी औरत से बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है जाने, बिजनेस के मामले में बात कर रहे होंगे किसी से। अरे वो आपको छोड़ने की बात कर रहे हैं। पर मुझे तो कहीं भी नहीं जाना, मुझे कहाँ छोड़ेंगे? अरे मैडम मैडम इधर चले। क्या बात है जानी, जानी तुम तो कहे थे कि ये फोन बात कर रहे हैं, देखो ये तो सो रहे हैं। मैडम मैंने अपने कानों से सुना है। अरे बाबा मेरी बीवी के बारे में ऐसी बकवास मत करना मुझसे, वो सबसे अच्छी है बाबा। देखो नींद भी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो भी मेरे बारे में, कितना प्यार है ना इन्हें मुझसे। हाँ मगर हो सकता है नींद में बोल रहा हूँ, लेकिन चाय मंगाई थी इतनी जल्दी कैसे सो गए? अरे सारी रात बिना फोन पे लगे रहे, कोई काम होगा शायद, थक गए होंगे ना, आंख लगी होगी। अब ऐसा करो चाय बनी गई है तो तुम पी लो, इन्हें आराम करने दो। मैं पी लूं? कर तो रहे थे। आराम करें। हाँ बाबा जानी हर बात में कान लगा के सुनता रहता है, मेरी चाय भी जाया करा दी इसने। अरे बाबा बुझे नहीं पता, बुझे उसे हर हाल में यहाँ से निकालना है बस। अरे यदि तू यहाँ क्या कर रही है? अदा क्या किसी से मेरी शादी बात कर रहे हो? ओफो अदि एक तो तुझे हर वक्त शादी की पड़ी रहती है। बाबा अंदर जाओ बाबा, मुझे एक जरूरी बात करनी है फोन पे। और कितना अंदर जाओ, पहले ही घर में हूँ बाबा, अब क्या अकबर बादशाह की तरह दीवारों में चुन जाऊँ? ओहो अदि इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए। अकबर बादशाह दीवार में नहीं चुना गया था, जोधा बाई चुनी गई थी बाबा।
मुझे तो ये साजिश उस अकबर बादशाह की बीवी अनारकली की लगती है। अरे यदि तू अंदर जा बाबा, फोन भी हूँ मैं, किसी से बात करनी है, जा बाबा जा। मैं अरुबरु खुश हो रही थी कि मेरी शादी की बात कर रहे हो। हाँ बाबा, हाँ आदि अंदर चली गई है। क्या? अरे बाबा मेरी आदि है, तेरी माँ थोड़ी है जो तू पूछ रहा है उसे। आजा बाबा एक काम करो, जो मैंने तुम्हें काम कहा ना वो करो, हर हालत में करो बाबा, बस। हाँ ठीक है बाबा, ओके। जानी बेटा, ये बच्चू भाई यकीनन कोई चाल चलना, वरना ऐसा कैसे हो सकता? मैं मैडम को कैसे समझाऊंगी? जानी, क्या समझाना तुमने मुझे? अरे मैडम आपने तो डरा ही दिया। अरे ये बताओ कि तुमने मुझे बताना क्या है? अब आप मेरी बात पर यकीन तो करती नहीं है। छोड़ो जानी, फिर वही बेकार की बात कर रहे होगे तुम। अरे मैंने इन गुनाहगार कानों से सुना है। अपनी आंखों से देखा है क्या? कोशिश मैंने बड़ी की देखने की लेकिन मौका नहीं मिला, लेकिन सुना मैंने साफ साफ है। तो बस छोड़ो ना, वो तो सोते में बात कर रहे थे, नींद में तो इंसान कुछ भी बोल देता है। मैं एक बात बताऊं, इंसान सोते में सिर्फ सच ही बोलता है। अच्छा, तो जो पिछले हफ्ते सोते हुए तुम जोर जोर से बोल रहे थे ना, सब सुना मैंने। क्या क्या क्या? यही कि मैं एक औरत हूँ जिसके घर में भी जाऊंगी जन्नत बना दूंगी। चले इंसान से गलती हो ही जाती है। तो बस यही बेनिफिट ऑफ डाउट बच्चे को मिलना चाहिए, समझे? सब खाना लगा तो भूख लग रही है। हेलो। हाँ बाबा, इतनी रात को कॉल क्यों की है तुमने? मना किया था ना मैंने, ऐसी क्या बात हो गई है? क्या सच? बच्चू। अरे बाबा क्या बात कर रहा है, कागजात तैयार हो गए? अरे बाबा इसी खुशी में मैं तुझे 50 रुपए ऊपर से दूंगा, बस। क्या 100 रुपए? अरे बाबा ले लेना 100 रुपए, लालच अच्छी बात नहीं होती है। बच्चू। अच्छा बाबा मेरी बीवी जाग गई है, बस सुबह बात करते हैं, अल्लाह हाफिज़। बच्चू। अरे बाबा क्या हो गया है, क्यों शोर मचा रही हो? हाँ वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बाबा वो नींद में नीचे गिर गया था। पर मुझे तो लगा क्या फोन पे बात कर रहे हैं। अरे बाबा बातें कर रहा था, तुम्हें नींद ज्यादा आ रही है बाबा, सो जाओ बाबा, सो जाओ शाबाश। नहीं सो जाओ बाबा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ बाबा सो जाओ। अरे हाँ बाबा तुम फाइल ले आना आज, मैं साइन कर दूंगा बाबा। और हाँ सीमा को अभी कुछ नहीं पता चलना चाहिए बाबा। अच्छा तो मेरा शक सही था। ठीक है बाबा, मैं बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। आधा किसी का फोन था, बाबा सही तो नहीं आ रहा। क्या हो गया जरीना, सुबह सुबह अच्छी बात मुझसे निकालो, कहीं आए ना जाए। हैं? ये क्या बात हुई बाबा? मैडम का मतलब ये था कि अगर बड़े साहब आ जाएं तो कुछ अच्छा बनाओ नाश्ते में ताकि उनको अच्छा लगे। हाँ हाँ मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही थी। थैंक यू जानी। अच्छा बाबा मैं आता हूँ, एक जरूरी काम। आपका जा रहा है सुबह सुबह? वो बाबा, हाँ बाबा वो 3 भैंसे ना बाड़े में बीमार हो गई है बाबा, उनके लिए दवाई लेने जा रहा। अदा साई कल रात तक तो आप कह रहे थे कि सब ठीक है, भला ये रात में सब क्या हो गया? अरे यदि तू तो चुप करना, तुझे तो कुछ नहीं पता, तू तो दीवार में वो अकबर बादशाह को चुनवा रही थी। क्या अकबर बादशाह को? मगर मेरे अदा साई तो बता रहे थे कि जोधा भाई को दीवार में चुनाया था। या अल्लाह ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे क्यों नहीं दीवार में चुनवा दिया? अरे बाबा मैं आता हूँ, हटो बाबा हटो हटो, मैं फिर देख के आऊंगा, गलत जगह जा रहा। ये तुम्हारी जासूसी कर रहा है क्या? पता नहीं मुझे, किसी को किसी का पता ही नहीं होता, जिसके मर्दी को कहीं पे भी चला जाता है, मैं भी जा रही हूँ। यार एक दौर हुआ करता था, इस मोहल्ले में पढ़े लिखे लोग रहा करते थे। हाँ हाँ ये सब तुम लोगों के आने के बाद बदल गया है। बकवास नहीं करो, मुझे ये लोग बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा भाई तो बता दें आप कहाँ तक पढ़े हुए? दोपहर तक। अच्छा भाई क्या हो रहा है लड़कों, किस बात पे बहस हो रही है?
अरे छप्पन भाई, ये दोनों तो इसको जाहिल साबित करने पे तुले हुए हैं। बुरी बात बच्चों, बुरी बात, किसी को ऐसा नहीं करते हैं। जब एक शख्स है तो उसमें साबित करने की क्या जरूरत है। छप्पन भाई, तमीज से बात करें आप। छप्पन भाई, बड़े लोग जमा किए हुए हैं, बड़ा भैंसों मुबाइसा चल रहा है। लो, एक और अकलमंद आ गया। चाचा आपसे तो ज्यादा यूं अकलमंद। अच्छा, फिर एक सवाल का जवाब तो दो। पूछो। एक सड़क पे तीन गधे खड़े हैं, अब इनमें से कौन सा समझदार गधा हुआ? गधा समझदार हो ही नहीं सकता कभी। जबरदस्त, ये हुआ तीनों में सबसे ज्यादा समझदार। अरे ताली तो बजा लो भाई। अरे यार नाराज हो गए छप्पन भाई। अरे छप्पन यार, वैसे एक बात है, तुम लोगों को छप्पन भाई का ख्याल रखना चाहिए इस उम्र में भी। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे भाई घंटी भी खराब हो गई। अरे ऐसे भी होती है यार, काम का बिजली जाया कर रहे। अरे यार बड़ा ही गंदा हो जाता है, एक तो रोज साफ करता हूँ फिर डस्ट आ जाती है। जानी, जानी, वैसे तुम्हारा नाम जो है वो तुम्हारे अम्मी अब्बू ने ना बहुत अच्छा रखा है। अच्छा, क्यों? बाबा मैं जब भी तुम्हारा नाम लेती ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा भी कोई है। मेरे ख्याल से दवाई का टाइम हो गया, मैं अभी ले आता हूँ। अरे बाबा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं, और अगर मैंने शादी की भी ना तो तुमसे नहीं करूंगा। अरे रुको तो सही भला, मुझे तुमसे कोई और बात करनी है। अच्छा क्या? जानी ये अदा साहिबपुर इसरार नहीं लग रहे दो तीन दिनों से। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन मैडम मेरी बात का एतबार ही नहीं कर रही। वो क्या साहब ना, मैडम को तलाक देने का सोच रहे। जानी क्या हो गया, तुम फिर वही बातें कर रहे हो? अगर उसने सुन ली तो तुम्हारी खैर नहीं है। उसे जानी तुम हो सकता है कह भी सही रहे हो, है ना? हाँ ना, उस वक्त फोन पर बात करते मुझे भी देखकर खामोश हो गए। यही तो मैं कह रहा हूँ, फोन पे कोई चक्कर चल रहा है। ये अदा साईं बिना छोटी बहन को छोड़ के उसका घर बसाने के बजाय अपना घर बसाने में लगे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा, यहाँ एक नहीं मिल रही और इनको दो दो मिल रही है। एक तो कब से मिलने को तैयार है, लेकिन अब तुम्हारी गिनती दूसरे से शुरू होती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैडम आप, मैडम आप जानी के बच्चे, तेरे को भी बताती हूँ मैं। अरे भाई जी, कौन? जी मैं कौन? जी मुझको क्या पता आप कौन? अरे आप हमारे घर पे आए और आपको ने पता कि आप कौन है? जी वो मुझे बच्चू साहब से मिलना था। लेकिन किस सिलसिले में? जी वो मैं आपको क्यों बताऊं, मैं सिर्फ बच्चू भाई को बताऊंगा। ऐसा क्या काम है कि आप उन्हीं को बताएंगे बस? अरे बाबा तुम बच्चू, ये कौन है? वो ये जो है बाबा, वो चंदा मांगने वाला है। ये चंदा मांगने वाला है, लेकिन इसे आपका नाम भी पता है? बाबा असल में मैं वो चंदा बहुत देता हूँ ना, इसीलिए जानता है। जी हमारे यहाँ तो सब इनको चंदा मामा कहते हैं। अब एक काम करो सीमा, आप अंदर जाओ, मैं से चंदा देकर आता। अच्छा। अरे बाबा तुमको मना किया था ना, और कहा था कि जब आना फोन करके आना, तुम ऐसे ही आ गया है। जी मैं ये फाइल लेकर आया था, इसमें पेपर्स भी हैं। हाँ बाबा लाओ लाओ, ये तो अच्छा हो गया, मेरी जान छुट्टी बाबा। तुम जाओ बाबा, जाओ, भागो, जाओ। भागो 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 बाबा भागो। बच्चू पता नहीं कहाँ है। अरे बच्चू क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? बाबा वो मैं आता हूँ, नहा के आता हूँ बाबा। अभी तो नहाए थे आप, फिर? ये कालक इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है बाबा, तुम्हें तो आके बताता हूँ। अदा को भला क्या हो गया, ये अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ गड़बड़ है। नहीं नहीं, ये तुम लोगों का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वहम नहीं, बस आप सच समझना नहीं चाह रही। वैसे ना थोड़ा थोड़ा मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। वैसे मेरे अदा साईं का कोई कसूर नहीं है बाबा, अगर बीबी अच्छी हो ना तो शोर कोई इधर जा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लो मियां बीबी पे लेक्चर, और जिनकी किताब में खुद का शादी का चैप्टर ही नहीं है। अरे चलो भला सब ये बातें छोड़ो, ये तो बताओ कि अदा बेवफा है कि वफादार है? एक काम करते हैं, चल के पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा करो जानी, तुम सारा खाना ना बच्चों के पसंद का बनाओ, मैं अच्छा सा तैयार होके आती हूँ। एक बात बताएं, ये सौकन का इस्तेमाल सच सवर के करेंगी? नहीं, क्या पता बच्चों को ऐसा लगे कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो फिर वो ऐसा ना करे जैसा तुम दोनों कह रहे हो।
जानी भला ऐसा करना कि अदा की पसंद की जो भी चीजें बनाओ तो वो तो बना ही लेना, पर मेरे लिए भी थोड़ा सा पुलाव बनाने ला, थोड़ा सा मेरे लिए जूस बनाना, थोड़ा सा हलवा भी बना लेना, और ऐसा करना कि थोड़ी सी आइसक्रीम भी मंगा लेना मेरे लिए। ये थोड़ा है आपका? अच्छा जानी छोड़ो ये सारी बातें, बस सारा खाना अच्छा होना चाहिए और बच्चों की पसंद का। पैसे तो दे, हर वक्त पैसे 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 पैसे। अरे बाबा सीमा तुम यहाँ? क्या मतलब बच्चू, अपने कमरे में इजाजत लेके आऊंगी क्या? नहीं बाबा मैं तो ऐसे ही कह रहा था, बैठो बैठो तुम्हारा ही कमरा है। नहीं नहीं अब मैं इजाजत लेकर ही आऊंगी। अरे बाबा एक तो तुम्हारे बात में नाराज हो जाती हो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कहीं सुकून नहीं है बाबा, क्या बात करती हो बाबा, मैं जा रहा हूँ। बच्चों के हाथ में फाइल लग रही थी, कुछ तो है जो बच्चों छुपा रहे हैं मुझसे, लेकिन ऐसा क्या है? अरे जानी मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैंने खुद देखा है किसी को बाहर जाते हुए। किसको देख लिया जरीना, सब तो घर में है, तुम भला खुद ही जाके देखो कौन था। मैं बॉडीगार्ड हूँ मोहल्ले का। अरे तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? अरे देखे ना ये इतनी देर से मुझे परेशान करे जा रही है। भाजी मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर मैंने किसी को जाते हुए देखा, वो भी दबे पाऊं। अरे मैडम एक काम करें, बच्चू भाई को बुलाएं। अरे मैं बच्चू को ही तो ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हाय अल्लाह बड़ा, क्या मेरा था गायब हो गया है? मुझे लगता है कि उस आदमी ने गायब भी किया होगा। अरे कौन अगवा करके ले जाएगा उनको, बच्चू भाई को ही देखा होगा बाहर जाते हुए। मगर अद्दा साई चोरों की तरह कहाँ गए? मैडम मैं कहता हूँ ये आपको तलाक दे के रहेगा, लिख लें आप। क्या तलाकनामा अपना लिखूं? अरे मेरा मतलब ये है कि ये बच्चू भाई जो है ना आपको छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं 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 जानी, तुम ना बस खाने की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। नहीं नहीं नहीं, खाने की तैयारी कर लो। अरे भाई वो वापस आए तो मैं खाने की तैयारी करूँ ना। अरे आएगा आएगा, भला क्यों नहीं आएगा, भले दूसरी शादी करके ऐसे में कौन सी बड़ी बात है। मुँह अच्छा ना हो, बात बंदी को अच्छी करनी चाहिए। कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा जानी तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो बाबा? आपके इंतजार में खड़े हैं। जहाँ पना जहाँ पना बाबा, तुमने तो मुझे बिल्कुल बादशाह बना दिया है। आगे आगे देखें क्या क्या बनते हैं आप। आजा, ये सीमा और जरीना किधर हैं बाबा, खाने पर क्यों नहीं आई हैं? अदा अदा आ गई आ गई आ गई आ गई, ये देखो अदा मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया। मैंने मेरा मतलब है कि मैंने और भाजाई ने। तुम दोनों ने क्यों बनाया बाबा, ये क्या छुट्टियों पे गया है? वो मैडम चाह रही थी कि आपकी पसंद का खाना बने, अब तो हमेशा आप ही की पसंद का खाना बनेगा इस घर में। अरे बाबा अभी तक काल क्यों नहीं आई है? देखे मैडम आ गई, देखे ना। अरे बाबा क्या मैडम तुम्हारी अमेरिका से आ रही है? जो मैं देखूं मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, सर पे बिठाऊं क्या? अरे बाबा जानी तुम्हारी मैडम को ना दूध सोडा की जरूरत है बाबा, लगता है बदहजमी हो गई, यूं कर रही है। आप तो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अरे बाबा इसको क्या हो गया है, इतनी बदतमीजी करेंगे तो यही होगा। तुम तो चुप करो बाबा। अदा भाजाई आपके लिए इतना तैयार होकर अगर आपने उसको देखा तक नहीं। अरे बाबा तैयारी तो मैं कर रहा हूँ, जो सब देखेंगे, देखना सबर करो जरा। कमरे में जाने की वजह बाहर ही निकल गया, चलो अच्छी बात है, आओ बैठो खाओ 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 खाओ, ये लो हम लोग खाएं। रोटी नहीं लाई साथ में? अरे घोड़ा ने मैं तो भूल गया, अभी ले रोटी लाई नहीं। हाय हाय हाय, ये मगर रोने का नहीं है। नहीं जानी तुमने देखा नहीं था, बच्चू ने मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा, ना ही खाने की तारीफ की और ना ही मेरी। बाजी वो मेरी खूबसूरती के सामने तुम्हारी खूबसूरती फीकी पड़ गई ना, इसीलिए आधा में तुमको देखा भी नहीं। जी जी जी, जैसे चांद ग्रहण में चांद नजर नहीं आता ना, वैसे ही ना। शायद वैसे ही वैसे ही। अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। अरे मैडम ये वक्त रोने का नहीं है, आप 2022 की औरत हैं, अपने हक के लिए लड़े आप। नहीं जानी, अगर बच्चों मुझे तलाक देना चाहते है, मुझे छोड़ना चाहते है, तो कर ले दूसरी शादी, मुझे भी कोई एतराज नहीं है।
क्या कह रही हो भाजाई तुम, ऐसे भला कैसे छोड़ सकती हो? हाँ मैडम, कुछ बर्तन टूटे, कोई सर फटे, कोई हल्ला गुल्ला, पता लगे कि लड़ाई हो रही है। नहीं जानी, बस मैंने फैसला कर लिया, अगर बच्चे मुझे छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी अपना अकबर माफ करती हूँ, छोड़ती हूँ, बुला के लाओ उसे। छोड़ना है तो छोड़ दे, लेकिन हक मेहर तो ना छोड़े, और अगर आपको जरूरत नहीं तो मुझे ही दे दे। मेरे से शादी कर लो, मैं बाड़ा तुम्हारे नाम पे कर दूंगी, तुम्हारा हक मेहर होगा। अरे बाबा, ये तुम दोनों सियासी हिमायतों की तरह सीमा के इर्द गिर्द क्यों खड़े हो? बच्चों, आप जरूर मुझे कुछ छुपा रहे हैं। अरे बाबा, तुम्हें पता चल गया है क्या? परसों मैं चाय लेके आया था, फोन पे आप जो बातें कर रहे थे ना, सारी मैंने सुन ली। अरे बाबा, तुम्हें तो कहीं जासूसी करनी चाहिए, हर चीज का पता लगा लेते हो। आपने क्या किया? अरे बाबा, मेरा हक है, और जो किया अपनी बीवी के लिए किया बाबा। लो जी, बीवी भी हो गई। हो गई क्या मतलब है बाबा, वो तो कई सालों से है। ठीक है बच्चों, जा सकते हैं आप। हाँ, इससे पहले कि आप मैडम को तलाक दें, मैडम खुला ले लेंगी। हाँ बाबा, ये भी अच्छा है। अरे बाबा, दिमाग खराब हो गया है क्या, क्या बक रहे हो? अदा साहिब, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, हमको सब पता चल गया है। हाँ बच्चू, और उस तलाकनामे की फाइल भी देख ली हमने आपके पास। अरे वो जो वकील का असिस्टेंट आया था तलाकनामा लेके, वो भी तो बताएं। अरे बाबा, पागल हो गए हो क्या तुम सब? कल मेरी सालगिरह, और यही तोहफा मिलना बाकी रह गया था। हाँ बाबा, तुम्हारे लिए तोहफा ही तो था। तलाक भी भला कोई तोहफे में देता है क्या? हाँ बाबा, मेरे लिए। अरे आदि, कैसी बातें करती है? बाबा, तलाक के लिए शादी की जरूरत है ना, इसी बहाने भला मेरी शादी भी हो जाएगी। अरे आदि, तू तो एक ही राग लापती रहती है बाबा, या मेरी जिंदगी का सवाल है? आपकी जिंदगी तो वो होगी ना, मेरी सौकन। अरे बाबा, गाड़ी भी कभी किसी की सौकन हुई है क्या? क्या? हाँ बाबा, वो तुम्हारी सालगिरह के लिए मैंने नई गाड़ी खरीदी है, तुम्हारे तोहफा देने के लिए बाबा, वो उसकी फाइल थी ना। और वो तब्दीली, तंग आ गया हूँ, छोड़ दूंगा, बदलो, वो क्या? अरे बाबा, सीमा की गाड़ी पिछले हफ्ते 2 दफा खराब हो गई थी, उसकी बात कर रहा था। यानी हम मुझे तलाक नहीं दे रहे ना बच्चू? अरे नहीं बाबा, मैं कल सालगिरह पे तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, जो तुम लोगों ने खराब कर दिया है। सॉरी बच्चू। अरे बाबा, वैसे ये किसके दिमाग का फतूर था बाबा, सच सच बताना। इसके। मौलाना साहब, आप कब आए? बाबा, ये बहुत पुराना हो गया, अभी तुम बताओ क्या कर रहा था? ये तो चीटिंग हो गई। चीटिंग हो गई ना, तुमने भी की। अरे बाबा, लगता है जिस अस्पताल में तुम पैदा हुआ थे ना, उस वक्त वहाँ पे स्टेज ड्रामा चल रहा था। जाओ जाके चाय बना के लाओ। विक्की कॉमेडी। जाओ बाबा। मैं कोई नहीं जा रहा। अरे बन्ये, नहीं जाऊंगा मैं। अरे बाबा, मेरी बात नहीं मान रहा है। नहीं मानूंगा भाई। अरे बाबा जाओ, मैं गुस्से में आ जाऊंगा। अगर एक कतरा भी मेरे घर में पानी आया तो मैं आप पे सोना भी छुड़वा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, हमें तैरना आता है। मैं तो डूब जाऊंगा ना। चुल्लू भर पानी में? अरे नहीं, नागाने में। आप तो ये पुलिस की वर्दी में घूमते, चोर दूर से देखता होगा, साइड पे हो जाता होगा वो तो। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? बाबा बगैर यूनिफॉर्म के घूमे? मुझे किसी ने बताया है कि इस घर में कोई रहता है जो वारदातें करता है। जी, ये क्या कह रही हैं आप? आप लोग को नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी वारदात कर रहे हैं। एक बात होता है, किस बात पे आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? बाबा एक बात बताओ, तुमने नया मोबाइल तो नहीं लिया है? हाँ लिया है। तुमने कोई घड़ी तो नहीं खरीदी? नहीं। हाँ कल ही तो लिए। बाबा तुम नई गाड़ी खरीदने का तो नहीं सोच रहे हो? अभी तो सोच रहा हूँ, असल में हम लोग यहाँ हंसी खुशी रहते हैं। ये तुम दोनों का ससुराल है क्या? बच्चू भाई का तो ससुराल है, मेरा तो घर है। बाबा झूठ बोल रहे हैं, मेरा घर है बाबा। झूठ ये बोल रहा है, इसकी बीवी का घर है। अरे आप इसके कमरे की तलाशी क्यों नहीं ले लेती? इसका कमरा कौन सा है? बाबा कोई कमरा नहीं है इसका। क्यों, मैं दरख्त पे रहता हूँ। हैं? अब मत दरख्त पे रहना तुम। क्यों? क्योंकि जिन के बच्चे डर जाएंगे। वैसे एक बात तो बताएं, आप कुछ तलाश कर रही हैं या कुछ ढूंढ रही हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप कुछ तलाश कर रही हैं या कुछ चोरी कर रही हैं? लेकिन अदा, जिस तरह वो तलाशी ले रही थी ना, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। अरे बाबा, कहीं वो सूंघ तो नहीं रही थी नोटों की खुशबू को? अरे सूंघ कर ढूंढना भी तो एक ट्रेनिंग है। अरे नहीं बाबा, वो तो ऐसे ढूंढ रही थी जैसे चोर कोई चीज ढूंढ रहा हो। मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में